सो गाइस कुछ इस तरीके से आप लोग भी फोटो एडिट करना चाहते हो, सो गाइस ये इफेक्ट बहुत मज़ेदार एंड बहुत ऑसम लुक दिख रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। सो गाइस इस फोटो को एडिट करने के लिए हमें सबसे पहले अपना जो ओरिजिनल फोटो है आपको शेयर करना है लाइट रूम में। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने अपने ओरिजिनल फोटो को शेयर कर लिया है लाइट रूम में। तो गाइस आप लोग कुछ देख सकते हो कि जो मेरा फोटो है कितना ऑसम एंड बेस्ट लग रहा है। बैकग्राउंड कुछ ग्रीन है एंड जो मैंने ड्रेसेस पहने हैं ब्लैक एंड वाइट है। तो अगर आपके पास ब्लैक टी शर्ट है तो कुछ ज़्यादा ऑसम फोटो दिखेगा, क्योंकि ये इफेक्ट ब्लैक एंड ब्लैक टी शर्ट हो एंड ग्रीन बैकग्राउंड हो तो कुछ ज़्यादा ही ऑसम दिखेगा। तो आप लोग ट्राई करना कि ये ग्रीन बैकग्राउंड पे ये इफेक्ट ट्राई करना, तो ज़्यादा ऑसम लगेगा। तो चलिए गाइस इस इफेक्ट को करने के लिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो गाइस सबसे पहले जो मेरा स्टेप होगा, सबसे पहले इस ब्राइटनेस वाले आइकॉन पे क्लिक करके हम इस फोटो को एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सपोजर को माइनस कर लेते हैं, कंट्रास्ट को हल्का सा हम इंक्रीज कर लेते हैं एंड जो हाईलाइट है गाइस इसको हम हल्का सा माइनस में रख देते हैं एंड जो शैडो है गाइस इसको भी हम हल्का सा माइनस कर देते हैं एंड जो वाइट है गाइस इसको हल्का सा हम इंक्रीज करके ब्लैक को हल्का सा हम माइनस कर देते हैं। सेकेंड स्टेप में गाइस हम आएंगे, सेकेंड स्टेप में आने के बाद गाइस जो वाइब्रेंस है इसको हम हल्का सा इंक्रीज कर देंगे एंड सेचुएशन को 2 पे कर देंगे, -2 पे। उसके बाद गाइस हम मिक्स वाले ऑप्शन पे आएंगे, पहला जो टोन है उसका ह्यू जो हल्का सा हम इंक्रीज करके सेचुएशन भी हल्का सा हम इंक्रीज करके लूमिनस हल्का सा हम बढ़ा देते हैं। सेकेंड स्टेप में गाइस हम लूमिनस को हल्का सा इंक्रीज कर देंगे फेस पे लाइट लाने के लिए एंड गाइस थर्ड वाला जो ऑप्शन मतलब थर्ड वाला जो ट्यून है इसका जो ह्यू है इसको हम माइनस में रखेंगे एंड जो फोर्थ वाला है इसको भी हम माइनस में रखेंगे एंड गाइस जो फिफ्थ वाला है इसको भी हम ह्यू माइनस में रखते हैं। उसके बाद गाइस ये जो बचा ब्लू टोन आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि अगर आपके फोटो पे अगर ब्लू वाला कोई आइकॉन या कोई बैकग्राउंड दिख रहा है तो आप लोग उसको एडजस्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपको इसको टच करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं इसको हल्का सा माइनस में रख देता हूँ क्योंकि मेरे फ़ोटो में हल्का सा ब्लू कलर मैच है। यहाँ पर इसको माइनस करके डन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से डन करने के बाद गाइस आप टेम्परेचर को हल्का सा 4 पे कर लोगे एंड यहाँ से डन कर दोगे। उसके बाद हम आएंगे थर्ड वाले ऑप्शन पे, इसमें आपको क्लैरिटी इंक्रीज कर देना है हल्का सा एंड जो डैमेज है इसको 2 पे कर देना है एंड विगनेट आप अपने अकॉर्डिंग माइनस में कर लेना। फोर्थ वाले ऑप्शन में फेस की स्मूथनेस के लिए आपको इंक्रीज करना है शार्पिंग एंड इंक्रीज करना है मास्किंग को एंड हल्का सा इंक्रीज करना है नॉइज रिडक्शन को, 20 या 25 के बीच में आपको रखना है एंड गाइस कलर नॉइज रिडक्शन जो है इसको भी आपको हल्का सा इंक्रीज कर देना है। यहाँ से ये स्टेप कंप्लीट हुआ है एंड जो लास्ट स्टेप हमारा बचा है इस प्रोफाइल वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे एंड गाइस जो आर्टिस्ट एट दिखेगा आपको ये वाला मतलब ऑप्शन आपको यूज करना है। तो यूज करने के बाद गाइस आप देख सकते हो आपके फ़ोटो पे वो इफेक्ट आ चुका है। तो आपके फेस पे थोड़ा सा लाइटिंग की कमी है तो आप इसको शेयर करोगे स्नैप स्पीड में लाइटिंग के लिए। तो चलिए गाइस इस फोटो को हम शेयर कर लेते हैं स्नैप स्पीड में। तो गाइस मेरा फोटो स्नैप स्पीड में आ चुका है, तो आप देख सकते हो फोटो कितना परफेक्ट है, HD है एंड मैंने इसको नॉर्मल कैमरे से क्लिक किया है 1500D से। तो गाइस देख सकते हो कितना ऑसम फोटो लग रहा है अब। तो यार यहाँ पे हम कुछ नया प्रोसेस नहीं करेंगे स्नैप स्पीड में, हम सेम प्रोसेस जो मैं पिछले दो वीडियो से कर रहा हूँ वही प्रोसेस करेंगे। आपको पेंसिल वाले आइकॉन पर क्लिक करना है एंड सबसे पहले आपको यूज़ करना है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट यूज करोगे गाइस, पोर्ट्रेट में जो आपका फेस स्पॉटलाइट है आप इसको इंक्रीज कर दोगे तो फेस पे आपके लाइट आ जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो डिफरेंस आप लोग देख लो। तो आप अपने फेस के अकॉर्डिंग अपने फोटो के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर लेना एंड इसका जो स्मूथिंग है आप लोग हल्का सा इंक्रीज कर लेना, 25 के आसपास रख लेना। आई क्लैरिटी की इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से मैंने ग्लास पहन रखा है, तो इसको मैंने माइनस कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं इसको डन कर देता हूँ। डन करने के बाद गाइस अगर आपको लगता है कि आपके फेस या मतलब आपका जो हैंड है वो ज़्यादा ब्लैक है तो आप इस सिलेक्टिव वाले आइकॉन पे आके यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड आपको हल्का सा ब्राइटनेस इंक्रीज कर देना है। तो डिफरेंस आप लोग देख सकते हो गाइस एंड यहाँ से आपको डन कर देना है। डन करने के बाद गाइस आपका लास्ट स्टेप होगा, पेंसिल वाले आइकॉन पे आओगे एंड जो डिटेल्स हैं इसको आपको एडजस्ट करना है, सेट करना है कुछ अच्छे तरीके से। तो स्ट्रक्चर जो है गाइस इसको हम हल्का सा माइनस में रख लेते हैं, इसको माइनस हम 2 या 3 के आसपास रख लेते हैं, मैं 4 कर लेता हूँ एंड गाइस जो शार्पिंग है इसको मैं हल्का सा इंक्रीज करके 28 के आसपास रख लेता हूँ। आप लोग 25 या 30 के आसपास रख सकते हो।
तो मैं फिलहाल इसको यहाँ से डन कर देता हूँ एंड यहाँ से आप फोटो शेयर कर दोगे तो आपका फोटो सेव हो जाएगा गैलरी में। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड ये इफेक्ट भी बहुत प्यारा है, तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड आपको पसंद भी आएगा। तो फिर मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छी एडिटिंग के साथ। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको न्यू एडिटिंग कैसे चाहिए। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छी एडिटिंग के साथ। तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर।